नमस्कार दोस्तों, दीपू किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा रेसिपी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों, हमने 8 पीस ब्रेड लिया है और 1 गिलास दूध लिया है और यहाँ पर 1/2 कटोरी चीनी लिया है और 1/2 बाउल खोआ लिया है। तो दोस्तों, इन्हीं इंग्रेडिएंट के साथ आज हम बनाएंगे ब्रेड रसगुल्ला। ब्रेड से रसगुल्ला बनाना बहुत ही आसान है, तो हम इसे रेसिपी को अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। और दोस्तों, पहले हम ब्रेड का जो गोल्डन पार्ट है इसे हम काट कर निकाल लेंगे चाकू से। दोस्तों, इसी तरह से आप सभी को ब्रेड का गोल्डन पार्ट निकाल देना है। दोस्तों, ब्रेड का गोल्डन पार्ट जो है पूरा निकाल लिया गया है। और देखिए, जो ब्रेड है इसे हमें इसी तरह से हमें तोड़ के रख लेना है। यहाँ पर दोस्तों, कढ़ाई गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध। दूध में हल्का हल्का बॉयल आने लगा है, तो अब हम इसमें डालेंगे जो ब्रेड को हम छोटे छोटे टुकड़े में कर लिए थे, इसे अब हम डालकर कलछी से इसे हम ऐसे देखिए चलाते रहेंगे। और इसे हमें धीमी आँच पर चलाना है, हमें ऐसे लगातार चलाना है क्योंकि कढ़ाई में जो ब्रेड पकड़ने ना पाए। ये दोस्तों, ब्रेड जो है दूध और खोआ को खूब अच्छे से सोख लिया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा आधा चम्मच घी डालेंगे। घी देखिए, हम इसे डालने के बाद जो ब्रेड है कढ़ाई से कितना अच्छे से छोड़ने लगता है, बिल्कुल छोड़ देता है, और फ्लेवर तो बहुत ही ज़्यादा आता है घी डालने से। तो ये जो ब्रेड का आटा है बिल्कुल तैयार है, इसे हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ब्रेड का आटा ठंडा हो रहा है, तब तक के लिए हम इसे चाशनी बना लेते हैं। तो जिस गिलास से हमने 1 गिलास दूध लिया था, उसी गिलास से हम 1 गिलास पानी ले रहे हैं। और जो हमने चीनी लिया था कटोरी में, इसे हम डालकर कलछी से हम अच्छे से चला लेंगे। हमें 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसे हमें चाशनी नहीं बनाना है, तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। तो जब तक ये चाशनी पक रहा है, तब तक के लिए हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, ब्रेड का आटा भी ठंडा हो गया है, तो अब हम हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे और ब्रेड का जो है छोटे छोटे पीसेज करके हम ब्रेड का रसगुल्ला बना लेंगे। देखिए दोस्तों, हमें ब्रेड का जो रसगुल्ला बनाना है, इसी तरीके से देखिए आप सभी को बनाना है। इसी तरीके से हम ब्रेड का सारा रसगुल्ला बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये दोस्तों, 2 से 3 मिनट हो गया है, चाशनी भी बिल्कुल रेडी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे ब्रेड का रसगुल्ला। दोस्तों, इसमें हम सारे ब्रेड को डाल देंगे और डाल लेने के बाद इसमें हम 2 मिनट पकाएंगे। दोस्तों, हम कलछी से हल्का हल्का इसे ऐसे चलाते रहेंगे। तो यह दोस्तों, 2 मिनट हो गया है और जो ब्रेड है चाशनी बिल्कुल रेडी है, तो इसे आप सभी को हम सर्व करके दिखाते हैं। तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ब्रेड का रसगुल्ला कैसा बना है। दोस्तों, ऐसे ही नए नए रेसिपी लेकर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।